नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में लर्न पाइथन इन हिंदी। तो जो पहला स्टेप है आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन वाज डन, वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अभी जो आज का टॉपिक है वो है कि IDEs और एडिटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो एडिटर्स और IDEs जिनको जो प्रोफेशनल है वो IDEs के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जो नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको एडिटर भी कह सकते हैं। तो जो पाइथन में सबसे जो एडिटर्स हैं वो तीन एडिटर हैं। जो पहला एडिटर है वो डिफॉल्ट जो पाइथन के साथ आता है वो एडिटर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका नाम है आइडल। तो अगर आप जाएंगे यहाँ सर्च करेंगे तो आइडल दिखेगा आपके सिस्टम में, और आप जब क्लिक करेंगे तो वो एडल स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों अभी आइडल पे काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप है आइडल पे काम करने के लिए, वो हमको जो सबसे पहला स्टेप है आइडल पे काम करने के लिए, वो हमको पहले एक फाइल, ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा, आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल को फिर सेव करना है। अगर आप सही सेव नहीं भी करेंगे तो जब आप इसको रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव के लिए पूछेगा, तो पहले सेव कर लेते हैं हम एडवांस में। ठीक है, सेव हम करते हैं एक फोल्डर में जहाँ पे हमारे सभी स्क्रिप्ट रखे हुए हैं। ये जो एक्सटेंशन है PY वो लगाना मत भूलेगा, अदरवाइज जो पाइथन कंपाइलर है वो फाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। .py एक्सटेंशन लगाने से ही पाइथन कंपाइलर फाइल को आइडेंटिफाई करता है। मैंने ये फाइल सेव कर ली। अभी मुझे अपना अगर प्रोग्राम लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर सकता हूँ। जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, उसमें मैं अपना नाम दे देता हूँ। एक वेरिएबल बनाते हैं एज, जिसमें मैं अपना एज दे देता हूँ। तो आप देखिए, पहले वाले को मैंने कोट्स के अंदर लिखा है लेकिन दूसरे को नहीं लिखा, क्योंकि जो दूसरा है वो इंटीजर वेरिएबल है, जो पहला है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये डिफरेंस आपको काम करते करते समझ में आएंगे, जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको ये पता होंगे। अभी क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट कराते हैं एक स्टेटमेंट। हाय योर नेम, उसके बाद हम यहाँ पे नेम की वैल्यू डाल देते हैं। और कैसे डालते हैं, प्लस करके डाल सकते हैं आप। एक फॉर्मेटिंग का भी तरीका है, वो आप बाद में सीखिएगा। योर एज इज, उसके बाद जो हमने एज ली है वो इंटीजर में है, तो हम स्ट्रिंग के साथ उसको ऐड करें तो वो हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str एज ब्रैकेट क्लोज अगेन। अभी आप इसको रन करके देख सकते हैं, आपको आउटपुट मिलेगा। तो देखो, इसने मेरा नाम जो मैंने इनपुट डाला था वैसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडल यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं आइडल के अंदर, और आइडल एक बहुत फास्ट लाइब्रेरी है। जो और लाइब्रेरीज हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं, आपको वो सजेशंस आपको मिलेंगे उसमें, क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है, इंटेंट आप ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। लेकिन ये एक लाइट लाइब्रेरी है, फ्री अवेलेबल लाइब्रेरी है। किसी भी ऑफिस में आप काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, इसके लिए कोई अप्रूवल या लाइसेंस नहीं लगता, ये फ्री है एकदम। ठीक है, तो अभी हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हम पाई चार्म लाइब्रेरी को हम सीखेंगे कैसे यूज करते हैं। डाउनलोड, जेट ब्रेन्स,
जेट ब्रेन्स जो कंपनी है उसने बनाया है पाई शाम। पाई अभी देखिए इसमें दो वर्जन है, एक प्रोफेशनल, जब जैसे ही आप ये यूआरएल पे जाएंगे दो वर्जन मिलेंगे आपको, एक होगा प्रोफेशनल वर्जन, एक होगा कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिसेज में भी ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो ये आप देख सकते, अपनी जो इंफोसेक टीम है उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल ओपन सोर्स है। ओनली थिंग इज जो भी प्रोडक्ट आप इससे बनाएंगे उसको सेल नहीं कीजिएगा दूसरी कंपनी को, अपने ऑफिस में आप यूज कर सकते हैं इजिली, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और आपको पूरे फीचर्स नहीं मिलेंगे, अगर आप प्रोफेशनल डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन ये अवेलेबल है आपको फ्री में भी। ठीक है, तो हम डाउनलोड करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में। वो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, सो चलिए आपको मैं वहां उसी फोल्डर पर लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी देखिए डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आपका सिस्टम लोअर कॉन्फ़िगरेशन का है तो थोड़ा सा हैंग होगा, क्योंकि आईडी काफ़ी हैवी होती है, इनमें बहुत स्पेस और मेमोरी लगता है। अब देखिए स्पेस रिक्वायर्ड इतना, स्पेस अवेलेबल इतना, तो स्पेस काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आप ये सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पाथ वेरिएबल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। एड ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट, आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ये सबसे ज्यादा यूजफुल लाइब्रेरी होती है एक्चुअली पाइथन के लिए, पाइथन। देखिए हमारा जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं रिबूट लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, फिनिश करूंगा, उसके बाद हम पाइचाम ओपन करते हैं। उसमें मैं आपको एक सैम्पल प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। कंटिन्यू, डोंट सेंड एनालिटिक्स। आप चाहें तो सेंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जितना मैं यूज कर रहा हूँ उसको सिक्योर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं सेंड कर रहा हूँ। तो अभी ये ओपन हो रहा है। अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो ये और भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, अभी हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, हमको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शंस आपको आएंगे। तो आप चाहें तो वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट को सीखने के लिए मैं एक अलग वीडियो लगाऊंगा, अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी हम सिस्टम इंटरप्रेटर के थ्रू चलेंगे। सिस्टम इंटरप्रेटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं बेस इंटरप्रेटर पाइथन ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पे आप जो ये साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप सिस्टम इंटरप्रेटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके सिस्टम में पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप इसको यहाँ पे आने के और भी अलग तरीके हैं ये विंडो, लेकिन सारा जो सेटिंग होगा इंटरप्रेटर का वो इसी विंडो पे होगा, और ये सेटिंग आपको एक बार करनी होती है फॉर वन प्रोजेक्ट। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो पाइथन का आईडी खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी
इसमें आप पाइथन फाइल ऐड कैसे करते हैं, नई फाइल, अभी इसी फाइल पे मैं कोडिंग नहीं करूंगा, मैं नई फाइल ऐड करता हूं। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके न्यू फाइल में जाइए और पाइथन फाइल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। माई फाइल में इसको नाम दे देता हूँ, ये ऐड हो गया फाइल। ठीक है, अगर इंटरप्रेटर सेट नहीं होगा तो यहाँ पे ये ग्रीन साइन नहीं दिखाई देगा आपको। तो अभी हम फिर से करते हैं नेम, मैं सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स में जाके इसके फॉन्ट थोड़े से बड़े कर लेता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगा कैसे करने हैं। आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके एडिटर में जाइए, एडिटर में जाके जनरल में आप फॉन्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अभी साइज 13 है, मैं इसको 18 कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से कुछ विजिबिलिटी जो होगी वीडियो की वो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो नेम, तो मैं एक वेरिएबल मैंने नेम बनाया। अब अगर आप और लैंग्वेजेस यूज करते हैं आपको उसमें पहले आइडेंटिफायर देना होता है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है या ये इंटीजर है या ये लॉन्ग है या ये डबल है। ठीक है, लेकिन पाइथन में आपको ये नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्टली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, कंपाइलर उसको ऑटो अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ठीक है, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मैं अपनी एज दे देता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए, जो डिफरेंस था आइडल में और इसमें वो ये था, ये ऑटोमेटिकली बता देता है कि आपको क्या क्या देना है इसके अंदर। ठीक है, अभी जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको, चलिए वही सेम मैसेज हम लोग प्रिंट कराते हैं, सिंगल कोट्स का यूज करते हैं इस बार, डबल कोट्स का नहीं। हाय, एंड देन आप यहाँ पे प्लस का साइन देके जो भी वेरिएबल वैल्यू है वो पास कर सकते हैं। उसके बाद फिर से प्लस का साइन देके योर एज इज, फिर से प्लस का साइन देके, अभी जो एज है हमारी वो 33 है, यानी कि वो नंबर है, लेकिन हम उसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसको स्ट्रिंग के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा जो डेटा का टाइप है, इसको डेटा कास्टिंग, आप डेटा टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप एज दे दीजिए, इसको रन करने के लिए सिंपल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे रन माई फाइल करके करेंगे तो आपको आउटपुट जो होगा वो यहाँ दिखेगा नीचे वाले कंसोल में। अगर आप उसको चेंज करके 35, इसको चेंज करके 23 करते हैं तो आप इसको फिर से रन करके देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक और चीज कि कभी आपका प्रोग्राम में यहाँ पे ग्रीन ना दिखे तो आप सेटिंग्स में जाइएगा फाइल में जाके, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अगर आप इन पॉइंट्स पे स्टक हो जाते हैं देन यू विल, आपका जो इंटरेस्ट है वो शुरू में ही खत्म हो जाएगा। तो सेटिंग्स में आप जाइए, उसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एडिटर को थोड़ा बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग पाइथन प्रोजेक्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर आएगा, यहाँ से फिर से आप वो सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार पे जाइएगा और यहाँ से आप ऐड करके, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नहीं है तो आप फिर यहाँ क्लिक करके अपना पाइथन का जो फोल्डर है आप वहाँ जाके पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्टली सिस्टम इंटरप्रेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइथन के मल्टीपल वर्जन है तो आप जो चाहे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पाइचार्म के बारे में। अब हम आ जाते हैं एक नई आईडी के बारे, नई आईडी और जो जानी मानी आईडी है प्रोग्रामिंग में, विजुअल स्टूडियो। चलिए विजुअल स्टूडियो, अभी हम पाइचार्म बंद कर देते हैं।
विजुअल स्टूडियो का आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं जो मेरे सिस्टम में है, बट लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप उतना ही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा जितना आपको चाहिए। आपको पाइथन चाहिए, वॉट एवर, और ASP.NET का वेब एडिटर चाहिए, या आपको विंडोज फॉर्म क्रिएट करने हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आप क्लियरली देख के उसको समझ सकते हैं। उसके बाद आप उसको देखिए, जैसे ये ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ASP.NET करना है आपको, C++ में प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, और भी ऑप्शंस होंगे, शेयर पॉइंट डेवलपमेंट करना है, और भी जो ऑप्शन में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने ही ऑप्शन सेलेक्ट करके, और जैसे आपको WPF या WCF या विंडोज फॉर्म पे काम करना है तो ये ऑप्शन रहेगा, जब आप इंस्टॉल करेंगे उस टाइम पे सेम ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ये फ्री वर्जन है, लेकिन अगर आप कंपनीज में काम करते हैं वहां पे आप एक एक्सप्रेस एडिशन है विजुअल स्टूडियो का, आई गेस और आप अपने अपने ऑफिस में यूज करना चाहते हैं, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं कि आप जो जो ये प्रोफेशनल लाइव एडिशन है और फ्री है, ठीक है, और जो डिफरेंस है वो ये कि ये प्रोफेशनल एडिशन है और वो ये भी फ्री है, फ्री वो भी है, जो आप अभी ये विंडोज कम्युनिटी देख लेंगे, लेकिन ये होम सिस्टम पे काम करेगा और ये ऑफिस सिस्टम में। तो आप अपनी, अगर आप अपनी कंपनी में यूज करना चाहते हैं, आप एक बार अपनी इंफोसेक टीम से कंसल्ट कर सकते हैं विच वर्जन अभी शुड यूज, सो दे विल चेक दी स्पेसिफिकेशंस, वो आपकी कंपनी के हिसाब से सारी स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे और आपको उसका अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास IDE ऑलरेडी है, तो मैं यहीं से डायरेक्टली यूज करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने ठीक है, अभी हम न्यू प्रोजेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में जब आप जाएंगे तो आपको इस लेफ्ट साइड में टेम्पलेट्स ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आप इसमें पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी, और डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, पाइथन को यहाँ से भी रन कर सकते हैं। मैं रन नहीं करूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी और IDs यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी यही इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, आगे हम जब जाएंगे तो हम और भी चीजें सीखेंगे कि अभी IDE है मेरे पास, मुझे कुछ लाइब्रेरीज यूज करनी है तो मैं कैसे करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले ये सब खत्म कर लें, इंस्टॉल कर लें, आइडल पे काम करना चाहते हैं आइडल पे कर लें, अगर आप अपने ऑफिस में और फास्ट काम करना चाहते हैं तो आप पाइचाम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइचाम अगर आपके पास ऑलरेडी एक IDE अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो, तो आप उसमें भी जो डिपेंडेंसीज हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम रहेंगे वो सब में ही सेम रहेंगे, सिंटेक्सेस सब में सेम रहेंगे, कंपाइलर हमारा जो बेस कंपाइलर होगा वो पाइथन ही होगा, तो आप किसी में भी यूज करें, दीज आर जस्ट एडिटर्स, ये सिर्फ एक एडिटर है, ठीक है। आपका जो मेन जो आपको जो आपके प्रोग्राम्स रन करती है वो पाइथन जो EXE है वो करती है बेसिकली, तो आप कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं। मैं जितने भी लिंक्स हैं यूजफुल वो मैं डाल देता हूँ सारे डिस्क्रिप्शन में, और मैं एक बार आपको शो भी कर देता हूँ जिससे कि आप रेफर कर सकें उसको आराम से, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है आइडल, कहाँ से डाउनलोड करनी है पाइचाम, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ये लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा जिससे कि आप डायरेक्टली क्लिक करके आप रीच कर सकें। कोई भी इश्यू आता है आप मुझे कमेंट में डालिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच गाइस।